उदयपुर में कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के संयोजक और कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा डबोक एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। इस दौरान रघु शर्मा ने न केवल कांग्रेस सरकार के 100 दिन के कामकाज को जनहित के लिहाज से ऐतिहासिक बताया, बल्कि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करके उनका भरोसा जीता है। उन्होंने कहा कि जिन चुनावी वायदों के दम पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता था, उन तमाम वायदों को सरकार ने पूरा किया है। साथ में रघु शर्मा ने मेवाड़ में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सभा को लेकर भी जानकारी दी। इससे पहले रघु शर्मा ने जिले के प्रभारी मंत्री भंवरलाल मेघवाल और अन्य आला नेताओं से लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर के चर्चा की है। एक तो कांग्रेस पार्टी ने अपने 25 के 25 उम्मीदवार घोषित कर दिए, कल जो बचे हुए नाम थे उनके ऊपर भी फैसला सामने आ गया है। तो अब पूरी पार्टी ने जो रणनीति तैयार की है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय सचिन पायलट साहब, हमारे प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, उनकी जॉइंट जो प्रोग्राम मीटिंग्स है, पब्लिक मीटिंग्स हमने प्लान की है। राजस्थान में करीब 100 पब्लिक मीटिंग्स तो ये मिल के करेंगे और उसमें से 11 मीटिंग हम लोग अभी कर चुके हैं और करीब 25 लोग जो नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तो नॉमिनेशन फाइल करने वाले दिन जो पब्लिक मीटिंग्स होंगी उनको ये सब लोग एड्रेस करेंगे। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।